जो मंत्र दिया जाए उसको पढ़ें। नियम के पालन से ज्यों ज्यों आप पेशी करेंगे त्यों त्यों बालाजी की सेना आपके घर पर पहुंच जाएगी। बैठते जा, बैठते जा, बैठ जा, जो होगा देखा जाएगा, बैठ जा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, अरे यार हाथ आ रहा है ना बहुत सबको सम्मति दे हनुमान रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय जय बालाजी हनुमान, जय जय रघुपति राघव राजा पतित पावन, रघुपति राघव पतित पावन, जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है, जो राम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की, नमः पार्वती पते हर हर महा। आज का दिव्य दरबार हमारे चेला कीजिए, आज का दिव्य दरबार बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम मंगलमय प्रणाम करते हुए आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। हम अपने समय के पक्के 9 बजे आ गए हैं, टाइम के फुल पक्के हैं, घड़ी लेट हो जाए हम लेट नहीं होते हैं, वो बात अलग है। उठे तो 9 बजे थे हम, लेकिन सीताराम मरीज पैदल यात्री विदेश के पद यात्रा वाले, अरे राम राम, पैदल यात्रा वाले 100-100 लोग आते हैं, अब उन्हें ना मिलो तो वो पूरी गली भर गाली बकते जाते हैं। 100 को तुम भभूति दो तो आधा घंटा चला जाता है। दरबार यहाँ नहीं लगाना, बहुत दूर पे अंदर लगाना, यहाँ भी लगा रहे हो अंदर भी लगा रहे हो, ठीक है? तुम भी खुश, बेबी खुश,
बैठ तो जा भैया, अब इतनी जगह भी है तब भी नहीं बैठ, तुम काय माता जी एंटीना जैसी खड़े चेना खजरा कैसे हो है? तो मोटे हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? हम तो बता है तरह खाने के बाद भी रोज दिन के दिन आदमी बड़ी बांस जैसे पतली हो। वो तो चिकने ना आता है सही सब जन में। आशीर्वाद। जला सुपर। जय राजस्थान। जय राजस्थान। बैठ तो जाओ, अभी तो दरबार लगाएंगे। बैठो। राम राम चेला, तुम कल लड़ क्यों पड़े थे? लड़ पड़े थे कल? लात मार दी थी तुम्हें किसने? भूत ने? हाँ तो भूत से तुम्हें क्या लेना? अगर इतने उन्हें ज्ञान होता तो वो भूत थोड़ी बनते। तुम तो सही होते, तुम क्या लड़ पड़े? अच्छा तुम पर भी भूत था? हाँ तो ठीक है, तो ठीक लड़ पड़े। क्या बोले तुम तो माही बोल सब सीताराम जी है ठीक है भैया बैठ जाओ ना, जगह नहीं है तो तुम्हें तो मूड पे बैठो, पता पाजे होके बैठ जाओ, किसी की खोपड़ी पे बैठो पिटोगे अपने यहां। भैया पेन कागज मंगा, बालाजी के चरणों में हम लोग बैठे हैं। आज का देव दरबार प्रारंभ हो रहा है, जो जहां है वहीं बैठ जाओ, छाया वाले छाया में बैठ जाओ, पता लगे वहीं से बुला लेंगे बालाजी, बैठ जाओ, भजन करो, नाम जप करो, छाया में बैठ जाओ। अरे भाई अब क्या करें, जितनी व्यवस्था है उतनी बनाए, हॉल है अब हॉल भर जाता है, हम क्या करें, हम प्राण तो देना थे। जो है बेटा हम गड़ा से आए, और बोलो ठीक हो? प्रसाद पा लिया था, दर्शन कर ले, नारियल बांधा, जाओ जी जी सोते जो बता देने मोर मोबाइल काका का दूर उठा। सीताराम साधु जी काला जी गुरु दादा गुरु जी महाराज की दिव्य दरबार की समाधि वाले बाबा की ना पार्वती पते हर हर भगवान नागेश्वर माला जी की बड़ी महती कृपा दिव्य दरबार श्री सन्यासी बाबा की चरण शरण में प्रारंभ हो रहा है। बागेश्वर धाम पर तो वैसे ही महिमा बालाजी की है, जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू करता है, नियम का पालन करता है, बिना पर्चा बने ही बालाजी के चरणों में उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। धाम पर पेशी का महत्व है, बालाजी का महत्व है, बालाजी बड़े ही अद्भुत दयालु है, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे, सबकी सुनते हैं, जाओ तुम्हारी भी सुनेंगे। थोड़ा व्यवस्थाओं की कमी है लेकिन जितनी है ज्यादा है, व्यवस्था ज्यादा नहीं है लोग ज्यादा, फिर भी व्यवस्था बना रहे हैं, धीरे धीरे सब होगा, भगवान दया करेंगे। थोड़ी आपको कष्ट हो रहा है पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बालाजी को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। सब लोग नाम जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो, हम जिनको बुलाएंगे वो आएंगे, फिर कुछ देर यहाँ दरबार लगा लेते हैं, कुछ देर हम भीतर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का पाउडर रहा गया हमको ज्यादा दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ देर यहाँ दरबार लगाते, कुछ देर फिर अंदर लगाएंगे, वहां भी सुबह से लोग बैठे घूम के प्यासे। जय सिया राम। चलो दोनों हाथ जोड़ लो, अब
अब कोई बीच में बोलेगा नहीं है। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। दादा गुरुवे नमः। मणिमन में माता पिता को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अचूक उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है, रोग में संकट में व्याधि में पीड़ा में आराम लगने लगता है। मनी मन प्रणाम करके जाप शुरू करो। हम दरबार शुरू कर रहे, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, दोनों समय भंडारा भी। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस नहीं। बड़े आदमी हो तुम हमें दे दियो, हम सब पहुँचा देंगे, लेकिन दरबार के नाम पर किसी को भी राशि ना दे, फ्रॉड गिरी में ना पड़े, अपना नाम अपनी समस्या किसी को ना बताए। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। बोलो सीताराम। और जो मंत्र दिया जाए उसको पढ़ें। नियम के पालन से ज्यों ज्यों आप पेशी करेंगे त्यों त्यों बालाजी की सेना आपके घर पर पहुंच जाएगी। बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। साउंड के मारे कुछ नहीं दिखेगा।